फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। स्वागत है आप सभी का वेक्टर एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिनर करने। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग उन इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को बिना देरी के आगे बढ़ाते हैं। पहला इडियम है हमारा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बोर या बिस्तर के साथ। और इसे सेंटेंस कैसे बनाया वो देख लेते हैं। ही पैक्ड अप एंड लेफ्ट। बैग एंड बैगेज मतलब कोई है लड़का, किसी लड़के की बात हो रही है, उसने क्या किया, उसने अपना सामान पैक किया और चला गया। कैसे चला गया? पूरे सामान के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ वो चला गया। तो बोरिया बिस्तर के साथ मतलब अपने पूरे सामान के साथ। तो बैगेज का मीनिंग हमें यहाँ से क्लियर हुआ, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत, मतलब पूरे सामान के साथ। अगला इडियम है हमारा रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मीनिंग होता है टू डोमिनेट, रॉब जमाना। और इसको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस है हमारा इन दैट फैमिली इट इज द ग्रैंडमा हु रूल द रूस्ट। मतलब उस परिवार में जो ग्रैंडमा है, उस परिवार में जो दादी माँ है, उनका ही रूल चलता है। मतलब उनका ही दबाव है, उनका ही रॉब बना हुआ है उस परिवार में। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट। आई होप आप सभी को रूल द रूस्ट का मीनिंग यहाँ से क्लियर है। इस सेंटेंस के थ्रू हमने अच्छे से समझा। अगला इडियम है हमारा स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है सम हिडन एनिमी, आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन, अज्ञात शत्रु आपका। और इसको हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप। तो स्नेक इन द ग्रास जो है, इसको सेंटेंस के थ्रू समझ के और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। तो इसे सेंटेंस बनाया, डोंट ट्रस्ट हिम, ही लुक्स ऑनेस्ट बट ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। मतलब किसी लड़के की बात हो रही है कि उस पे भरोसा मत करना, वो ईमानदार दिखता है, वो ऑनेस्ट दिखता है, लेकिन वो क्या है, ही इज स्नेक इन द ग्रास, वो आस्तीन का सांप है। मतलब तुम्हारा छुपा हुआ शत्रु है, तुम्हारा अज्ञात शत्रु है। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है सम हिडन एनिमी, और हिंदी में इसे बोलते हैं आस्तीन का सांप। अगला इडियम है हमारा मेक और मार। मेक और मार का मतलब होता है टू मेक और मार, मतलब किसी चीज को बना देना या बिगाड़ देना। तो इसको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस बनाया है हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस कुड मेक और मार हिज करियर। मतलब यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है जो क्या करता है, वो क्राइसिस को ऐसे हैंडल करता है जिससे उसका करियर बन भी सकता है या बिगड़ भी सकता है। मतलब संकट की घड़ी में या मुसीबत के टाइम पे वो चीजों को ऐसे हैंडल करता है जिससे उसका करियर बन भी सकता है और उसका करियर बिगड़ भी सकता है। तो मेक और मार का मीनिंग आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि बनाना या बिगाड़ना। अगला आइडिया देखते हैं। अगला आइडियम में हमारा एट द 11th आर। एट द 11th आर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। और इसे सेंटेंस कैसे बनेगा वो एक बार देखते हैं। ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आर। मतलब ही, ये जो ही है, मतलब ये जो कोई इंसान है, कोई लड़का है, उसने क्या किया, उसने लास्ट मोमेंट में अपना ट्रिप पोस्टपोन्ड कर दिया, अपना ट्रिप लास्ट मोमेंट पे स्थगित कर दिया। मतलब उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसने अपना ट्रिप कैंसिल किया, फ्यूचर में कभी वो ट्रिप होगा। तो एट द 11th आर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। अगला इडियम है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है द वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से जो जीत जाए। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ना हो उसके साथ कि हाँ ये भी जीत सकता है, कोई उम्मीद ही ना हो, तो ऐसा कोई इंसान जीत जाए उसको बोलते हैं हम लोग डार्क हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने रेस देखी होगी, रेस में क्या होता है, आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये इंसान भी जीत जाएगा, लेकिन कभी कभी वो इंसान भी जीत जाता है। तो इसे बोलते हैं डार्क हॉर्स, जो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए। और सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस लिखा है समटाइम्स अ डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेडली विंस एन इलेक्शन। कभी कभी इलेक्शन में भी ये चीज हमने देखी है कि इलेक्शन में क्या होता है, चुनाव में क्या होता है, हम सोच भी नहीं सकते वो इंसान नेता बन जाता है, वो इंसान इलेक्शन जीत जाता है। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। आई होप आप सभी को डार्क हॉर्स का मीनिंग क्लियर है। अगला आइडियम देखते हैं। अगला आइडियम है हमारा
पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट, मतलब वो पार्ट जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो अंश, वो अंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है सम इनसेपरेबल पार्ट। और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस लिखा है माइक्रोबायोलॉजी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही आवश्यक अंग है। अब देखो, बायोलॉजी को हमने तीन पार्ट्स में, तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी और तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी का ही एक पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बायोलॉजी। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट और आवश्यक अंग। अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है हमारा स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो इंसान जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो इंसान जो महत्वपूर्ण ना हो, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो। तो इसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे तो मीनिंग और भी क्लियर होगा। सेंटेंस लिखा है शी इज अ स्मॉल फ्राई टू मी, मतलब कोई लड़की है जो मेरे लिए स्मॉल फ्राई है, मेरे लिए वो गैर महत्वपूर्ण है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है मेरी लाइफ में। तो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है सम इनसिग्निफिकेंट पर्सन। आई होप आप सभी को स्मॉल फ्राई का मीनिंग क्लियर है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट इडियम, अगला इडियम है हमारा अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन कार्य। तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस लिखा है आई थिंक इट्स एन अपहिल टास्क, मुझे ये लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये एक अपहिल टास्क है, मीन्स ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। अगला इडियम देखते हैं हम अपना। अगला इडियम है रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मीनिंग होता है ना, छुपा हुआ अर्थ होता है, उसको समझने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस है टू अंडरस्टैंड पोएट्री वन हैज टू रीड बिटवीन द लाइंस। कविता अगर समझनी है ना, तो कविता सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझनी है हमें, कविता में जो छुपा हुआ मीनिंग है, कविता में जो हिडन मीनिंग है वो भी समझना चाहिए, उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो भी समझना चाहिए। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने इडियम्स डिस्कस किए थे, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन इडियम्स की। तो आई होप आप सभी को ये सारे इडियम्स समझ आए होंगे, इनको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करते हैं ये भी समझ आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। आगे और इडियम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।